नमस्कार दोस्तों, आज के बारे इस वीडियो में व्हाट्सएप में जब कोई भी फोटो या इमेज डाउनलोड नहीं होता है, देख सकते हैं प्रॉब्लम है। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ये लिख के आता है कि डाउनलोड फेल द डाउनलोड वॉज अनेबल टू कम्प्लीट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यदि इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आज इसका सोल्यूशन 100% आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फेल हो जाता है डाउनलोड। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको नेटवर्क भी चेक करना होता है। कई बार आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, जो नेटवर्क होता है, तो वो सेटिंग करना होता है। तो चलिए सेटिंग्स में जाएंगे, मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क्स में जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर में जाएंगे हम। यहाँ पे जाकर के अपना सर्च ऑटोमेटिकली कर देंगे हम। कई बार हम लोग मैन्युअली कर देते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से हो सकता है कि आपका नेटवर्क सही हो तो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम बंद करते हैं और देखते हैं क्या शायद वर्क किया या नहीं किया है, तो बैक कर लेते हैं। यहाँ से आप एक्सेस पॉइंट भी डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, मेरा डिफ़ॉल्ट है। तो चलते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं। व्हाट्सएप देख सकते हैं, ओहो नहीं हुआ। तो चलिए सेटिंग्स करेंगे हम, इसे बंद करते हैं। तो चल लेंगे हम फाइल मैनेजर पे, फाइल एक्सप्लोरर पे, यानी कि आपका जो भी मेमोरी कार्ड वगैरह जहाँ शो करता है। तो चलिए चलते हैं, माय फाइल्स पे जाएंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस स्टोरेज और एसडी कार्ड, दोनों में से हमें डिलीट करना होगा एक फोल्डर। पहले एसडी कार्ड से हम करते हैं, व्हाट्सएप नाम का फोल्डर दोनों में बनता है आपका, जिसमें हो। मेरा दोनों में है तो हम दोनों में से डिलीट कर देंगे। व्हाट्सएप में हो सकता है आपके फ़ोटो वीडियोज़ हो तो आप हटा लीजिएगा पहले। मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल नहीं था, शायद डिलीट नहीं हुआ था। डिलीट, ओके। फेल लिखा जाता है फिर भी। चलिए स्टोरेज, डिवाइस स्टोरेज पे हम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से व्हाट्सएप हम डिलीट कर रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप नीचे सबसे, यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट, ओके, फेल टू डिलीट। चलिए कोई बात नहीं, करके देखा मैंने, डिलीट नहीं हुआ। कई बार वायरस घुस जाता है या करप्ट हो जाता है, तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे नहीं हुआ, ये तो वर्क नहीं किया। चलिए हम आपको नेक्स्ट जो बताने वाले फंक्शन, वो 100% वर्क करेगा। अब दोनों में से इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी मेमोरी कार्ड और मोबाइल की मेमोरी में से हमें एंड्रॉयड नाम का फोल्डर डिलीट करना है। जी हाँ, एंड्रॉयड नाम का फोल्डर। तो इसमें अगर कुछ फाइल हो तो आप डिलीट पहले मूव कर लीजिएगा। तो हम एंड्रॉयड में जाते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है एंड्रॉयड। अब हम डिलीट करेंगे एसडी कार्ड से, पहले हम डिलीट कर दे रहे हैं, फिर मेमोरी कार्ड जो है उसके बाद हम अपना मोबाइल वाला करेंगे, यानी इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में एंड्रॉयड नाम का एक फोल्डर होता है, तो दोनों हम डिलीट कर देंगे बारी बारी से। चलिए अब उसको हम करते हैं। देख सकते हैं 4000 से ऊपर फाइल है, तो ये फालतू का फाइल होता है, मोबाइल इससे हैंग वैंग भी करता है कभी बार। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में से थोड़ा सा भी हेल्प हो यदि, तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बंद करते हैं इसे, उम्मीद करते हो जाना चाहिए, देखते हैं। चलिए व्हाट्सएप ओपन, 100% वर्क करके देख सकते हैं, यहाँ डाउनलोड हो गया। दूसरा भी कर लेते हैं, ये भी वर्क कर गया। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में अपना सवाल डालना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।